वहीं बात करेंगे कि आखिर अब बीजेपी से किन्होंने प्रत्याशियों को अपने उतारा है, वहीं कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट तो जारी कर दी है, लेकिन आमने सामने आखिर कौन है, चाहे वो बीजेपी उम्मीदवार की बात कर ली जाए या फिर कांग्रेस उम्मीदवार की, आखिर कौन किसको टक्कर देने वाला है, ये हम आपको दिखाते हैं कि आखिर कौन किसके सामने होगा यहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर के। दमोह लोकसभा सीट की अगर यहां पर बात करें तो प्रताप सिंह लोधी जो है वो यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, वहीं प्रहलाद पटेल जो है वो यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। रीवा लोकसभा सीट से यहां पर जनार्दन मिश्रा जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वहीं सिद्धार्थ तिवारी जो है वो यहां पर कांग्रेस से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। खंडवा लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर नंद कुमार सिंह चौहान बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वहीं अरुण यादव जो है वो यहां से इनको टक्कर देंगे। वहीं सतना लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो गणेश सिंह यहां पर बीजेपी से और वहीं राजा राम त्रिपाठी यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, यानी दोनों के बीच यहां पर टक्कर होगी। जबलपुर लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो राकेश सिंह बीजेपी से यहां पर उम्मीदवार बनाए गए हैं, वहीं विवेक तनखा जो है यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कड़ी टक्कर यहां पर देखने के लिए मिलेगी जबलपुर लोकसभा सीट पर। टीकमगढ़ लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो वीरेंद्र खटीक यहां पर जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वहीं पर अगर सीधी लोकसभा सीट से बात की जाए तो अजय सिंह यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार आज घोषित किए गए हैं। वहीं रीति पाठक इनको टक्कर देने के लिए बीजेपी से यहां पर चुनावी मैदान में रहेंगी। वहीं शहडोल लोकसभा सीट की अगर यहां पर हम बात करें तो प्रमिला सिंह यहां पर कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, वहीं हिमांद्री सिंह जो अभी कांग्रेस में शामिल हुई हैं ये यहां पर इनको टक्कर देंगी बीजेपी की तरफ से। मंडला लोकसभा सीट में कमल मरावी यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वहीं फग्गन सिंह कुलस्ते जो है यहां पर बीजेपी से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। बालाघाट लोकसभा सीट में ढाल सिंह बिसेन जो है वो यहां पर बीजेपी से प्रत्याशी हैं, वहीं कांग्रेस से यहां पर मधु भगत पर यहां पर विश्वास जो है वो पार्टी की तरफ से जताया गया है। मंदसौर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो सुधीर गुप्ता यहां पर बीजेपी प्रत्याशी हैं, वहीं मीनाक्षी नटराजन जो है वो यहां पर कांग्रेस से चुनावी मैदान में इनको टक्कर देने के लिए सामने रहेंगी। बैतूल लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो कांग्रेस से रामू टेकाम यहां पर दुर्गादास उइके को टक्कर देते हुए नजर आएंगे। वहीं होशंगाबाद लोकसभा सीट की अगर बात करें तो शैलेंद्र दीवान यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वहीं राव उदय प्रताप सिंह को यहां पर ये टक्कर देंगे। खरगोन लोकसभा सीट गजेंद्र पटेल यहां पर बीजेपी प्रत्याशी, वहीं डॉक्टर गोविंद मुजालदा यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। उज्जैन लोकसभा सीट में अनिल फिरोजिया यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वहीं बाबूलाल मालवी यहां पर कांग्रेस की तरफ से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दमोह लोकसभा सीट में प्रहलाद पटेल और प्रताप सिंह लोधी आमने सामने।